छत्तीसगढ़ दर्शकों को बताने जा रहा है कि कल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कमलनाथ। देर रात अमित शाह से उनकी मुलाकात होनी है। जी हां, देर रात दिल्ली में अमित शाह से कमलनाथ की मुलाकात होनी है और कल बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं कमलनाथ कई विधायकों और नेताओं के साथ दिल्ली पहुंचने की खबर है। सूत्रों के हवाले से खबर है कमलनाथ के साथ 23 एमएलए बीजेपी में जा सकते हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मालवा महाकौशल के कई नेता भी कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे। छिंदवाड़ा के मेयर सभी एमएलए छोड़ सकते हैं कांग्रेस पार्टी। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा के नाम की भी अटकलें हैं, पहले भी हो रही थी। तरुण भनोट भी कमलनाथ के साथ जा सकते हैं। सज्जन सिंह वर्मा तो पहले ही कह चुके हैं कि जहां कमलनाथ वहां मैं। और सुखदेव पासे, निलय डाका का भी नाम है, टिमरनी विधायक अभिजीत शाह का भी नाम है, जबलपुर से एमएलए लखन घनगौरिया की भी चर्चा है। तो 23 विधायक, जी हां, कमलनाथ के साथ 23 एमएलए कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। कल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कमलनाथ। देर रात अमित शाह से उनकी दिल्ली में मुलाकात होनी है, उसके बाद इस्तीफा होगा और कल बीजेपी पार्टी ज्वाइन करेगी। कई विधायकों और नेताओं के साथ दिल्ली पहुंचने की खबरें हैं। कई विधायकों के नाम भी आ चुके हैं। मालवा महाकौशल से कई नेता पार्टी छोड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे। छिंदवाड़ा के मेयर सभी एमएलए छोड़ सकते हैं पार्टी। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा के पार्टी छोड़ने की खबरें भी सियासी गलियारों में चल रही थी, उनका भी नाम इसमें शामिल है। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं। तरुण भनोट भी कमलनाथ के साथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। सुखदेव पासे, निलय डागा का भी नाम है, तिमरनी विधायक अभिजीत शाह का भी नाम है, जबलपुर से एमएलए लखन घनगौरिया की भी चर्चा है बीजेपी पार्टी में शामिल होने की। सौरभ जी, आप कुछ कह रहे थे, जैसा कि मैंने आपको कई वजह यहां पर बताई कमलनाथ के कांग्रेस पार्टी छोड़ने से, और कमलनाथ तो जाएंगे ही, 23 विधायक भी उनके साथ जाएंगे। तो मध्य प्रदेश में एक और बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होने वाला है। सौरभ जी, राम मंदिर का निमंत्रण अस्वीकार किया कांग्रेस पार्टी ने, उसके शीर्ष नेताओं ने, बिना अपने कार्यकर्ताओं से पूछे, बिना अपने बड़े जो राज्य के नेता उनसे पूछे, तब से वो भारी नाराजगी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी देखी जा रही थी और जो उनके बड़े नेता हैं वहां भी देखी जा रही थी। अब मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से देखिए, चुनाव में जीत और हार तो लगी रहती है। अगर कमलनाथ जी इस बार अपनी पूरे ताकत के साथ लड़े और वो हार गए तो कांग्रेस पार्टी ने जो बर्ताव है वो तो उनके व्यवहार में चेंज आ गया उनके साथ। अभी जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि अब युवाओं का मौका देंगे, तो कहीं ना कहीं ये संकेत तो स्पष्ट रूप से था कि जो कमलनाथ जी हैं उनको किनारा करने की बात कांग्रेस पार्टी खुद कर रही थी और युवाओं को मौका देने की बात कर रही थी। अब लेकिन दूसरी समस्या ये हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो ऑलरेडी मध्य प्रदेश के बड़े नेता जा चुके हैं और वो भी कुछ ऐसे ही विधायकों के साथ एंट्री हुई थी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब वो उसको सामंजस्य बैठाने का एक बड़ा दायित्व भी रहेगा अगर कमलनाथ जी आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक बहुत बड़ा धड़ा जो है वो ज्योतिराव सिंधिया जी के नेतृत्व में आ चुका था और वो अब कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और अब अगर कमलनाथ जी आते हैं तो ये देखना पड़ेगा कि दो मध्य प्रदेश के पुराने बड़े कांग्रेस के नेताओं के बीच भारतीय जनता पार्टी के अंदर सामंजस्य किस प्रकार से बैठेगा कांग्रेस के लिए। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस कहीं ना कहीं तो मान के चल रही थी कि अब मध्य प्रदेश के चुनाव तो होंगे बहुत 4-5 साल बाद ही होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव है, तो अब कहीं ना कहीं वो युवाओं के चेहरे पर दांव खेलना चाह रही है और वो चाह रही है कि जो लोकसभा में पहले भी ना के बराबर कांग्रेस की सीटें रही है, भाई विधानसभा में तो कुछ सीटें आती थी और विधानसभा का चेहरा कमलनाथ जी को बनाया जाता था, लेकिन लोकसभा का चेहरा तो केंद्र का नेतृत्व होगा राहुल गांधी के नाम पे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर इसको लेकर के चिंतन किया गया और जब से वो युवाओं को लाने की बात, तरजीह देने की बात की गई और कमलनाथ जी को रविंद्र, तो मैं जी आपसे मैं जानना चाहता हूं एक चीज और। जब सिंधिया जी की पार्टी छोड़ने की खबर थी तब भी कांग्रेस के नेता यही कहते थे, प्रवक्ता भी यही कहते थे कि सिंधिया जी पार्टी छोड़कर नहीं जाने वाले, उनका पुराना रिश्ता है कांग्रेस पार्टी से। अब कमलनाथ जी के बारे में भी ऐसी ही चर्चाएं हो रही हैं, कांग्रेस नेता ऐसा ही कह रहे हैं, लेकिन क्या सिंधिया जी के पार्टी छोड़ने से सबक कांग्रेस पार्टी नहीं ले पाई है या नहीं ले रही है जो अब कमलनाथ जी की पार्टी छोड़ने की खबरें चल रही हैं? रविंद्र जी, देखिए, अभी जब तक ये चीजें जो अफवाहें चल रही हैं तो हम तो यही कहेंगे कि रहा सिंधिया का आपने एग्जांपल दिया, तो सिंधिया जी का एग्जांपल दिया उस समय के हालात अलग थे, अब के हालात अलग है। कमलनाथ जी, उनका कांग्रेस पार्टी के प्रति विशेष जुड़ाव है और मैं समझता हूँ कि कोई परिस्थिति होगी वो बैठ के बात करेंगे, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं। ये चर्चाएं तो
चल रही है और बड़ी तेजी से चल रही है। राजनीति में जब कोई घटनाक्रम शुरू हो जाता है, कोई चर्चा शुरू हो जाती है, तो बहुत ही तेज गति से फैलती है और ये संभावनाएं कहीं दिखती हैं तो फिर वो माहौल गर्म होता है उससे। तो ऐसा लग रहा है लोगों को जा रहे, मुझे नहीं लगता कि मेरी भी बातचीत हुई तो मुझे तो यही स्पष्ट। लेकिन ये खबरें ऐसी तो नहीं चलती ना, तुम काम कर रहा हूँ ऐसी हवा हवाई बातें तो नहीं होती ना। कई ऐसे रीजन मैंने आपको बताया भी बताए हैं कि जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया वो वहां पे शामिल नहीं थे, अशोक जी को सोशल मीडिया पर बधाई दी उम्मीदवार बनने की राज्यसभा लेकिन कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, मोहन यादव से मुलाकात करते हैं, छिंदवाड़ा के कलेक्टर हटा दिए जाते हैं। तो मैंने भी तो आपसे यही कहा, नकुल नाथ जी नितिन गडकरी जी की तारीफ कर देते हैं, बड़ा व्यक्तित्व है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि वो जी नहीं, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप बात तो सुनिए मेरी, आपने प्रश्न किया, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आदरणीय कमलनाथ जी के बारे में जो चर्चा आ रही है वो चर्चा निराधार है। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखिए, एक संभावना है टटोल के, एक लगता है कि ऐसा हो रहा है। तो जब हम आपसे कह रहे हैं कि मेरी भी चर्चा हुई तो पार्टी छोड़ने का कोई मतलब नहीं, रहा सवाल नाराजगी का, तो नाराजगी तो परिवार में होती है, हो सकता कोई कारण हो, ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन नाराजगी का ये अर्थ नहीं है कि पार्टी छोड़ के जाने का, ये सेंस नहीं है उसका। वो तो कहने की बात अलग है, परिवार है, परिवार में बैठ करके चर्चा होगी और चर्चा होगी, उस मामले को जो है समझा जाएगा और शीर्ष नेतृत्व उसका ना कब होगी तो कब चर्चा करेंगे। अब जैसे राज्यपाल कमलनाथ जी आज रात वो अमित शाह जी से मुलाकात करने वाले हैं और कल वो बीजेपी पार्टी ज्वाइन करेंगे, ऐसी खबरें नहीं आई कि राहुल गांधी कमलनाथ जी से मिलने के लिए जाने वाले हैं या सोनिया गांधी जी मिलने के लिए, या सोनिया गांधी ने बुलाया है उनको, खड़गे जी ने बातचीत के लिए बुलाया है, ऐसी खबरें क्यों नहीं आ रही है फिर?